हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलेखा फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब समय हो कम और मीठा खाने का हो मन, तब आप इस ठंडी ठंडी नरम मुलायम मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं, बिगनर्स हैं, तो भी इसे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसे हम बिना गैस जलाए बनाएंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको मावा, मलाई, घी, दूध, चाशनी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तीन चीज़ों से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मिठाई को हम बिना गुड़ चीनी के बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मिश्री लिया है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है, तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में हमें मिश्री का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। मैंने यहाँ पे मिश्री लिया है, आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम जार में, मिक्सी के जार में पीस कर बारीक पाउडर बना लेंगे। पर हाँ, इसे पीसने से पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, जिससे कि मिक्सी के जार पे इसका प्रेशर ज़्यादा ना पड़े और इसे आसानी से हम पीस सकें। तो चलिए पीस लेते हैं। मिश्री को हमने पीस कर बारीक पाउडर बना लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है। पनीर को इस तरह से हाथों से तोड़ते हुए छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये मैंने बाज़ार का पनीर लिया है। अगर आपके पास घर का बना हुआ पनीर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को हम कप से नाप लेते हैं, जिससे कि हमें मिठाई बनाने में आसानी हो। ये रहा एक कप और ये दो कप, तो कुल मिलाकर लगभग यहाँ पे 2 कप पनीर लिया है हमने। अब पनीर के लिए कितना मिश्री चाहिए उसे भी हम देख लेते हैं। तो 1 कप हमें मिश्री का पाउडर चाहिए। जितना हमने पनीर लिया है उसका आधा हमें मिश्री का पाउडर लेना है। इतना मिश्री का पाउडर हमारी मिठाई के लिए परफेक्ट है। वैसे आप मिठास अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिश्री को हमने चलनी में डाल दिया है, लेकिन डालते वक्त मैं कैमरा को ऑन करना भूल गई थी, इसलिए मैं उस पार्ट को आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। इसे छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे बिना गैस जलाए मिठाई को बना रहे हैं, तो मिश्री के अगर कुछ दाने होंगे मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगे, तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, इसमें जो दाने बचे हैं इसको हम हटा देंगे। फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच हम इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची का पाउडर पसंद है उसका फ्लेवर तभी डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से मिठाई को एक बाइंडिंग मिलेगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, इसके बिना भी आप मिठाई को बना सकते हैं। हल्के हाथों से इसे मसलते हुए हमें मिक्स करना है। आटे के जैसा इसे गूंथना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे इस तरह से मसलना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे, आप देखेंगे मिश्री का जो पाउडर है वो पनीर के साथ मिक्स होकर थोड़ा पानी छोड़ेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा गीला हो जाएगा और इस तरह से बंधने लगेगा। इसे बंधने के लिए, कंबाइंड करने के लिए हमें दूध वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, ये बहुत अच्छे से इस तरह से हल्का गीला होता हुआ कंबाइंड होने लगेगा। आप इसे इस तरह से थोड़ा सा मिक्सर को लेकर इस तरह गोल गोल घुमाइए, देखिए किस तरह से ये गोला बन रहा है ना, बस इसी तरह का टेक्सचर आने तक हमें इसे मिक्स करना है। मिठाई बनाने के लिए हमारा मिक्सचर तैयार है। मिठाई को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डब्बा लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगाएं वरना ना लगाएं। बस इसे हम थोड़ा तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे। आप घर का कोई प्लेट या कटोरी कुछ भी ले सकते हैं मिठाई को सेट करने के लिए, बस उसे आप थोड़ा घी या तेल से ग्रीस कर लें। अब इसमें हम मिक्सचर को डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे दबाते हुए फैलाएंगे। मिठाई आपको जितना मोटा पतला चाहिए उसी के हिसाब से आप इसको फैला लें, और इस तरह से इसे हम चिकना कर लेंगे। किसी चम्मच स्पैचुला से आप इसे चिकना कर लें। फ्रेंड्स, इस मिठाई को आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें। जिसे भी खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ़ ही करेंगे। कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे बिना गैस जलाए इतने कम सामान से बनाया है। अब इसे हम थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम से गार्निश कर रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो अपने मनपसंद किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। हल्का सा इसे दबा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की आसान सी रेसिपी लेके आ सकूं। अब इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए, हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है। चलिए अब इसे हम देख लेते हैं।
बटर पेपर को हटा देते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। मैं इसे स्क्वायर पीस में काट रही हूँ, आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। तो देखा आपने बिना गैस जलाए कितनी कम सामान से इतनी अच्छी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इसे एकदम ठंडा ठंडा परोसे जिससे इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।